हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को UPTET 2019 की तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की एक नई सीरीज स्टार्ट की है और हमारा आज का टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है तथा इसके अलावा जीन पियाजे के जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और टॉपिक है उनके बारे में हम जानेंगे। अगर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए बाकी अन्य वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके बाकी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास मनुष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यावान और व्याख्या की जाती है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है जानना या समझना। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्रिक नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1967 में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोगों का समावेश होता है। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका यह अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं को समझ पर बल देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम किस प्रकार से स्मरण, अधिगम और भाषा का प्रयोग करके किसी चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। यदि हम विभिन्न अवधारणाओं के मध्य के संबंध को समझ लेते हैं तो हमारे संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार का व्यवहार करता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया अपने अंदर के ज्ञान के रूपों तथा स्मृति, चिंतन व प्रेरणाओं व प्रत्यक्षण को शामिल करता है। आइए अब बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने 3 बच्चों और 1 भतीजे के विकास का अध्ययन किया और बताया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बड़ों के संज्ञानात्मक विकास से अलग होता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यथार्थ की एक अलग समझ पर आधारित होता है जो परिपक्वता और अनुभव के साथ धीरे धीरे बदलता जाता है। इन सभी बदलावों को आयु के आधार पर अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। अभी हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में और उनके कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो आइए सबसे पहले जाने मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे कौन थे। बालकों में बुद्धि का विकास यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपने खोज का विषय बनाया। पियाजे के इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। दूसरा, कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया। और तीसरा, पियाजे ने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था या उसका प्रतिपादन किया था। तो ये 3 क्वेश्चन जो है बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि एग्जाम में पूछता है, बालकों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन जो है
बनते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिएगा इनका स्टेटमेंट, बालकों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। तो आपने घर में देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं प्रारंभ में किसी वस्तु को चूसते हैं, देखते हैं, वस्तुओं को बार बार पकड़ते हैं या वस्तुओं तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनमें जन्मजात होती हैं, इनको कोई सिखाता नहीं है, तो ये प्रवृत्तियाँ उनके अंदर खुद ही पैदा होती हैं। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है, और यही कंसेप्ट कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पद। तो अक्सर हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं और पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, परंतु उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, जिसको जानने के पश्चात हम लोग संज्ञानात्मक विकास को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है? पहला, अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, साम्य धारणा, स्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स और विकेंद्रण। तो बारी बारी से हम इन पदों को समझेंगे ताकि जीन पियाजे के जितने भी सिद्धांत हैं वो आसानी से हमें समझ में आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संज्ञानात्मक विकास के जितने भी पद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पद है अनुकूलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडाप्टेशन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। तो जो बच्चा होता है वो जन्म से ही ये जानता है कि उसे किस प्रकार अपने वातावरण के साथ समायोजन करना है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को ही अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब वातावरण में बच्चा किसी उद्दीपित परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय वो विभिन्न मानसिक क्रियाओं को अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित हो जाता है और उन कार्यों को करता है, और इस प्रकार उसे ज्ञान का अर्जन होता है। पियाजे ने अनुकूलन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को दो उपअवस्थाओं में बांटा। पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। तो बारी बारी से इन दोनों प्रवस्थाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आत्मसात्करण के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने से पहले लिखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रतिक्रियाओं का सहारा लेता है। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे कोई बालक सरल जोड़ एवं घटाना जानता है, तो यदि उसके सामने जटिल जोड़ एवं घटाना का सवाल आते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने को सक्षम होगा। तो जैसे अगर उसे 2+3 करना है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसे आसानी से कर सकता है, लेकिन यदि कोई जटिल क्वेश्चन आता है जैसे 12+19 तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो पहले अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसे सिंपल तरीके से क्या करेगा, सॉल्व करेगा। और उस सिंपल तरीके से सॉल्व करने में वो क्या कहता है, अपने पूर्व अनुभव को प्रयोग करता है और आसानी से उसे जोड़ सकता है। तो इस प्रकार अपने जीवन में प्राप्त हुए जो पूर्व अनुभव है उस आधार पर अपनी समस्याओं को सॉल्व करना ही कहलाता है आत्मसात्करण। आइए इसे एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम शुरू में साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं और हमें साइकिल चलाने आ जाता है तो वो पूर्व की प्राप्त जो अनुभव है। अगर हम बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं तो बाइक हम चलाना आसानी से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूर्व का अनुभव है साइकिल चलाने का वो हमें काम देता है। तो इस प्रकार बाइक हम आसानी से चला पाते हैं। तो यही पूर्व के अनुभव ही कहलाते हैं आत्मसात्करण। अगला है समायोजन, जिसे बोलते हैं अकोमोडेशन। तो जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह कभी परिचित नहीं हुआ हो, तो उस ज्ञान को अपने अंदर समायोजित करता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे कोई बालक सरल जोड़ एवं घटाना जानता है,
यदि उसके सामने गुणा या भाग के सवाल आते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम नहीं होगा। तो समायोजन होता क्या है कि जब कोई नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिसे बालक कभी परिचित नहीं हुआ हो, तो क्या कहता है कि उस नई समस्या को वो अपने अंदर क्या कहता है, समायोजित कर लेता है ताकि अपने आने वाले जीवन में उसे वो सॉल्व कर सके। जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चे को बोला जाए 2+3 तो कर लेगा, लेकिन 2 × 3 दिया जाए तो वो सॉल्व नहीं करेगा। तो अब वो कैसे सॉल्व करेगा, तो अपने भाई बहन माता पिता से उससे जानने की कोशिश करेगा और उसे सॉल्व करेगा। अगला स्टेप है साम्य धारणा या संतुलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। आत्मसात्करण की अवस्था में वह संतुलन में रहता है और समायोजन की अवस्था में वह असंतुलित रहता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि आत्मसात्करण में होता क्या है कि वो पूर्व अनुभव के आधार पर समस्याओं को सॉल्व करता है, इसलिए वो उस प्रक्रिया में संतुलित रहता है। जबकि समायोजन में हम लोगों ने पढ़ा कि उसको ऐसी नए समस्याएं मिल जाती है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाता, परंतु उसको अपने अंदर क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तो इस अवस्था में वो क्या रहता है, असंतुलित रहता है। तो इस प्रकार वह संतुलन बैठाने का कार्य करता है। अगला स्टेप है स्कीमा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण किया जा सके स्कीमा होता है। तो आपको मैं सिंपल तरीके से समझा दूं कि किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान विचारों व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है जिसे पियाजे ने स्कीमा कहा। इन स्कीमाओं का प्रयोग बाल विकास के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो जो बालक होता है, बालक के जो अनुभव होते हैं या परिपक्वता होती है, इनको ही हम स्कीमा कहते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में आपको डाउट हो रहा होगा, तो मैं एक सिंपल वे में आपको समझा दूँ कि जो हमारी मेमोरी होती है, जो बच्चे की मेमोरी होती है, एक तरह से वही ही स्कीमा है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे हों या हम लोग हों, हम किसी भी कंसेप्ट को अपने कहाँ पर रखते हैं, मेमोरी मतलब दिमाग में रखते हैं। तो जो हमारे व्यवहार होते हैं, विचार होते हैं, ज्ञान होते हैं, ये सभी रूप ही कहलाते हैं स्कीमा, और जिनका उपयोग हम लोग क्या कहते हैं, अपने अनुभव और परिपक्वता के आधार पर समस्याओं को सॉल्व करने में प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादा इसको कंसेप्ट को समझने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप सिंपल वे में बस यही समझिए कि स्कीमा एक प्रकार से मेमोरी होती है जिसका उपयोग हम लोग अपने सामान्य जीवन में समस्याओं को सॉल्व करने या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको समझने में करते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि जोड़ना घटाना है, भाग है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्कीमा अर्थात मेमोरी को। आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। तो अभी आगे हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें चार तरह के सिद्धांत है और वही चारों सिद्धांत ही संज्ञानात्मक संरचना कहलाएंगे, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। अगला स्टेप है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। तो बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। तो जैसे ही अगर कोई समस्या आती है तो बालक अपने स्कीमा अर्थात मेमोरी में चिंतन करता है, सोचता है कि उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये चिंतन करना ही कहलाता है मानसिक संक्रिया। अगला स्टेप है स्कीम। तो स्कीम और स्कीमा में अंतर है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आइए जानते हैं स्कीम क्या होता है। व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम कहलाता है। तो उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, तो टाइम टेबल में भी फिक्स होता है कि हमें आज क्या करना है, आज कौन सी ड्रेस पहनने हैं, आज कौन सी बुक ले जानी है। तो ये पैटर्न जो होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है और यही पैटर्न कहलाता है स्कीम। अगला स्टेप है विकेंद्रण अर्थात डिसेंटरिंग।
तो किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को ही विकेंद्रण कहते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में अगर बालक सोचता है और उसके बारे में क्या कहता है, समझने की कोशिश करता है, यही कहलाता है विकेंद्रण। जैसे कोई डॉग है तो वो डॉग को देखता है तो समझने की कोशिश करता है डॉग में वास्तविकता होती क्या है। तो देखता है डॉग में चार पैर है, उसके कान लंबे हैं, उसकी पूंछ है। तो इन सभी चीज़ों की सोचने की जो क्षमता होती है उसे ही विकेंद्रण अर्थात डिसेंटरिंग कहते हैं। आइए बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट व अन्य टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो बालकों के संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने चार अवस्थाओं में बांटा। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रिय अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था। और चौथा है औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो इन कुल चार अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। और इन चारों के नाम कई अन्य नामों से भी आते हैं, जो कि आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बढ़ते हैं पहले अवस्था के बारे में, जो कि है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच होती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चों में इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं का अनुभव करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो बच्चा होता है इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है और उसके द्वारा किसी भी वस्तु का अनुभव करता है। इस कारण ही इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो ये जो अवस्था होती है इसे पियाजे ने 6 उप प्रवस्थाओं में बांटा है। तो वो 6 उप प्रवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? सहज क्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, तृतीय वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों के खोजों की अवस्था। बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं मूल व्यवहार की अवस्था। तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि मूल व्यवहार की अवस्था किसे कहते हैं। तो याद रखना, मूल व्यवहार की अवस्था हम संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था को कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम बाकी 6 जो उप प्रवस्थाएँ हैं इन उप प्रवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं पहली उप प्रवस्था के बारे में, जिसे हम सहज क्रियाओं की अवस्था अथवा प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिवर्ती क्रियाएं समझ लें। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे जीवन में अचानक या अनायास होती है और वो जन्मजात होती है, जिसे हम सीखते नहीं हैं। तो बच्चों में जो सहज क्रियाएं होती हैं ये होती है जन्म से लेकर 30 दिन तक। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्ती क्रियाएँ करता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रतिवर्ती क्रियाएँ जो होती है वो जन्मजात होती हैं। इन प्रतिवर्ती क्रियाओं में चूसने का जो प्रतिवर्त होता है वो सबसे अधिक होता है। तो जो बालक होता है प्रारंभ में बहुत ही अपने उंगलियों को, चाहे हाथ के हों चाहे पैर के हों, उनको चूसता है। तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती है वो सहज होती हैं, उनमें जन्मजात होती हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाएँ जो होती हैं जन्म से लेकर 30 दिन तक होती हैं। तो इन क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरी उपप्रवस्था की ओर, जिसे बोलते हैं प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है बहुत लंबी होती है। इस अवस्था में शिशु की प्रतिवर्ती क्रियाएं उनकी अनुभूतियों के द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती हैं और दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ अधिक संबंधित हो जाती हैं। तो इस प्रवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं को बहुत दोहराता है। जैसे वो हंसता है तो हंसता रहेगा, रोता है तो रोता रहेगा। तो इस प्रकार वो एक ही चीज़ को कई बार दोहराता है। अगर वो उंगली को चूस रहा है तो वो चूसता रहेगा। तो ये जो अवस्था होती है वो लगभग 1 से लेके 3 माह के बीच होती है। तो याद रखिएगा, लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ, 1 से 3 माह तक। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर की जो प्रमुख प्रवृत्ति क्रियाएं होती हैं उन्हें वृत्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें दोहराया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो प्रवृत्तियाँ होती हैं बालक की वो दोहराई जाती हैं। बालक जो कार्य करता है उसको लगातार दोहराता है। बढ़ते हैं तीसरे उपअवस्था की ओर, जो कि गौड़ वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर।
तो यह अवस्था 4 से 8 महीने तक होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर ध्यान केंद्रित कर देता है और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं थी उनको नहीं करता। इसके अलावा जानबूझकर कुछ ऐसी क्रियाओं को दोहराता है जिससे उसे सुनने व करने में मनोरंजन लगता है। जैसे कोई बालक है, बॉटल है, वो पीता है तो उस बॉटल को फेंकता है, तो बार बार वही चीज़ वो रिपीट करता है ताकि उसको अच्छा लगता है और समझता है, उसके मनोरंजन का वो साधन होता है। तो ये जो स्टेजेज आती है वो होती है गौड़ वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था में। चौथी उपरावस्था है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 महीने की अवधि में होता है। इस अवधि में बालक उद्देश्य तय करता तथा उन पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि किसी खिलौनों को छुपा दिया जाए तो उसके लिए वह वस्तुओं को इधर उधर हटाते हुए अपनी खोज को जारी रखता है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है अपना उद्देश्य तय कर लेता है और जितने भी उसके मनोरंजन के साधन होते हैं या उसके अच्छे लगने वाली चीज़ें होती हैं उसको खोजने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं पांचवें उप अवस्था के बारे में, जो कि है तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, जिसे बोलते हैं स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवधि 12 से 18 महीने की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रबल होता है। इस अवस्था में वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें बालक जो होता है बहुत अधिक प्रयास करता है और उस त्रुटियों से जो सीखने को मिलता है उसको वो बार बार करता रहता है ताकि उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसी अवस्था कहलाती है तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रबल होता है, याद रखिएगा इसे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आखिरी एवं छठे उप अवस्था के बारे में, जिसे हम कहते हैं मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अवधि 18 से 24 महीने तक होती है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं जो चीज़ें दृष्टिगोचर नहीं होती। इस गुण को वस्तु का स्थायित्व कहा जाता है। वैसे तो स्थायित्व प्रारंभ होता है अगले स्टेज में, लेकिन जो स्थायित्व का प्रारंभ इसी स्टेज से हो जाता है। बढ़ते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत की दूसरी अवस्था की ओर, जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यह अवस्था जो होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होती है। तो ये जो अवस्था होती है, यह अवस्था आत्म केंद्रित होती है, मतलब बच्चे अपने बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही जानना पसंद करते हैं। तो जैसे बच्चे इसमें क्या होते हैं, अपने खिलौनों को किसी को नहीं देते या अपनी चीज़ों को सिर्फ अपना ही समझते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है, याद रखिएगा, आत्म केंद्रित होती है। इस अवस्था में एक और प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं नकल करने की प्रवृत्ति। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नकल करने की प्रवृत्ति किसमें होती है। तो याद रखिएगा, पूर्व सक्रिय अवस्था में। तो इसमें बालक क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखकर उसको नकल करने की प्रवृत्ति को अपने अंदर धारण करता है। जीन प्याजे ने पूर्व सक्रिय अवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राक संप्रदायात्मक तथा अंतर्दर्शी। तो बात करते हैं प्राक संप्रदायात्मक अवधि के बारे में। इस अवस्था में बालक सूचक को विकसित कर लेते हैं। सूचक का अर्थ है वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन जिस चीज़ के लिए किया जाता है। तो जैसे अगर बालक अपनी माँ को बहुत अधिक प्यार करता है तो उनकी आवाज़ को ही पहचान लेता है। तो जैसे वो आवाज़ लगाती है तो माम 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 कहने लगता है, तो इस प्रकार के सूचक शब्दों को वो प्रयोग करता है। इसमें 2 प्रकार के सूचक पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे संकेत तथा चिन्ह। तो बालक इसमें क्या करते हैं, 2 प्रकार के सूचक यूज करता है, एक तो संकेत यूज करता है, दूसरा चिन्ह यूज करता है। जीववाद यह बालकों में चिंतन में एक ऐसी परिसीमा बनाता है जिसमें बालक निजी वस्तुओं को सजीव समझता है। तो इसमें बालक क्या होता है, जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, जो निजी चीज़ें होती हैं, उसको मूर्त रूप में समझता है। तथा यह अवस्था जो होती है वो आत्म केंद्रित होती है, जिसमें बालक सिर्फ अपने ही बारे में विचार करता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। बढ़ते हैं पूर्व संक्रिय अवस्था की दूसरी अवस्था, जिसे बोलते हैं अंतर्दर्शी अवस्था। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष के बीच होती है। सभी बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले ही अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रिया जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग,
आदि सम्मिलित होता है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे नियमों का समझ नहीं हो पाता। अंतर्दृष्टि चिंतन इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन होता है जिसके पीछे कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। तो जैसे बालक है, छोड़ना घटाना सीख लेता है, परंतु उसे पता नहीं होता है कि वास्तव में ये होता क्यों है। मतलब उसे बस तरीके पता होते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो नियम है वो नहीं पता होता। बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था की ओर, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रिया की अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें बालकों में जो तर्क शक्ति है, लॉजिकल है, वो विकसित हो जाती है और विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है किसी जानवर को देखता है, तो वो अपने दिमाग में बना लेता है कि ये जानवर किस गुणों पर बांटा गया है। तो कहने का अर्थ है कि बालक वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देता है। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। तो जो बड़ी चीज़ें होती है चिंतन की, वो अभी उसमें अभाव होता है, ये बड़ी चीज़ों को नहीं सोच पाता। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएँ विकसित हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन क्या होता है? जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान होता है, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये कुछ अवस्थाएं होती हैं या कुछ क्षमताएं होती हैं जो इसमें विकसित हो जाती हैं। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना, वस्तुओं को गिनना, वो शुरू कर देता है तथा इसका ज्ञान उसे होने लगता है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है, और वो संप्रत्यय है संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। तो संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब है कि बालक चीज़ों को सुरक्षित रूप से रखना जान जाता है, कि कौन सी वस्तु को कहाँ रखना है, किस प्रकार रखना है। तो इस प्रकार की जो गुण होते हैं उनमें विकसित हो जाते हैं। बात करते हैं संबंध की, तो संबंध के बारे में उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ें किससे संबंधित है। जैसे अगर हम बालक से कहें कि जोड़ घटा कर दिखाओ, वो जानता है कि ये मैथ से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर बालक से कहा जाए कि पोयम सुनाओ, तो जान जाता है कि वो इंग्लिश से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इस प्रकार से उसे संबंध पता होता है। जैसे परिवार के सदस्यों के बारे में पता था, कौन माता पिता है, कौन भाई बहन है, तो इस प्रकार की चीज़ें उनमें विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार उसे संबंधों के बारे में पता होता है कि मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, या मम्मी के बहन को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। तो इस प्रकार उसे परिवार और उसके संबंध के बारे में पता होता है। बात करते हैं तीसरे संप्रतित्व के बारे में, जो कि है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में अगर बालक को दे दिया जाए फूल, फल और सब्जियाँ, कहा जाए बेटा फूल अलग कर लो, फल अलग कर दो, तो वो हर चीज़ों को, फूल को अलग, फल को अलग तथा सब्जियों को अलग कर लेता है। तो इस प्रकार उसमें वर्गीकरण की क्षमता भी विकसित हो जाती है। बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास के आखिरी और चौथे अवस्था की ओर, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियता अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो यह जो अवस्था होती है 11 से 18 वर्ष के बीच होती है। इसमें बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है, क्या गलत है क्या सही है उसे पता होता है। बच्चों में वास्तविक अनुभव को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है, उसे सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। मतलब इसी अवस्था में बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और उन्हें भविष्य में क्या बनना है वो यहीं पर फिक्स करते हैं। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करता है और वर्गीकृत सीख जाता है। तो बच्चा इसमें क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना समझता है, अपने विचारों को सबके सामने रखता है। तो इस प्रकार उसमें संगठन की भावना भी विकसित होती है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी सिग्नल है या किसी प्रकार का जो चिन्ह होता है उन्हें समझ में आने लगता है। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती रहती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इसके अलावा उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। मतलब वो क्रम से किसी भी चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं और उस समस्या का समाधान भी करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार उनमें चिंतन की जो अवस्था थी वो प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। तो ये ऐसी अवस्था होती है जबकि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रकार
ये अमूर्त चीज़ों को मूर्त रूप में समझने लगते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।